जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्च के मंथली राशि फल यानी लियो। सिंह राशि की मार्च में क्या स्थिति रहेगी। मार्च में पांच बड़े बदलाव ग्रहों में आ रहे हैं, यानी सूर्य का ट्रांजिट होगा 14 मार्च को और बुध और शुक्र का ट्रांजिट होगा 7 मार्च को। इसी प्रकार से शनि जो उदय होंगे, अभी अस्त चल रहे हैं, 21 मार्च को, और मंगल का भी ट्रांजिट होगा। यानी कुल मिला के बड़े ग्रहों का ट्रांजिट मार्च के महीने में होने वाला है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करते हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। ये सिंह राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। केतु जहाँ 6 नंबर लिखा है, धन भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य, शनि और बुध, ये जो सप्तम भाव के अंदर सूर्य, शनि, बुध की युति बनी है, ये थोड़ा परेशान करेगी आप, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है आपके स्वास्थ्य भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करेगी। आप क्या परेशान करेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपके ऊपर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो आपके करियर को चमकाने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य मार्च में दो भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य, शनि और बुध, याद रखिएगा इन तीन नाम को, सूर्य, शनि और बुध, इन तीनों की जो युति बन रही है, जिस कारण से आपको 14 मार्च तक गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, या शरीर में दर्द की या नेत्र में कमजोरी की प्रॉब्लम नज़र आएगी। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चलता रहेगा 14 मार्च तक आप मानसिक प्रेशर में रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। 14 मार्च के बाद 15 से लेकर 31 मार्च में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, तब आपको अच्छा सा फील नज़र आएगा, काम में एकाग्रचित्ता मन लगेगी। और लेकिन 15 मार्च से और 31 मार्च के बीच में गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने वाली है। यानी पूरा मार्च का महीना हेल्थ में एक तो आप अजीब सा फील करते रहेंगे, थोड़ा बेचैनी सी आपके अंदर रहेगी, और एकाग्रचित्ता की कमी आपके अंदर सिंह राशि वालों के साथ रह सकती है, और गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो पूरे महीने। अब धन के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंस की स्थिति सिंह राशि की कैसी रहेगी। तो यहाँ पर भी सूर्य, शनि और बुध तीनों ग्रहों की युति के कारण जो सप्तम भाव में बन रही है, भाई अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट आपको फाइनेंस में मिलेगा। यानी मार्च के महीने में सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है, सरकारी कोई धन आना है तो वो आपको आ सकता है, सरकारी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना है, तो भाई मार्च के महीने में आपका बन रहा है, या फिर जो आपने पुराना काम किया है उसका धन आपको मिलेगा, मार्केट में फंसा हुआ रुपया आपका मिल सकता है, तो उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। यानी कि बैठे बैठे नहीं मिलेगा, भाग्य के सहारे नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य, शनि, बुध की युति है, आपको उस व्यक्ति से, उस डीलर से मिलना पड़ेगा, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, कई कॉल करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सरकारी काम बनेगा और मार्केट में रुका हुआ या पुराने किए काम का धन आपको जरूर मिल जाएगा। अब बुरा रिजल्ट क्या है, बुरा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मार्च के महीने में शेयर में आपको नुकसान हो सकता है, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट तौबा तौबा कर ले, यहाँ पर नुकसान होगा। और कहीं पर भी धन दुगना करने वाला कोई लालच देता है तो भाई बिल्कुल आप उसके झांसे में ना आए, आपका धन दुगना नहीं, आपका धन जीरो हो जाएगा। यानी धन का इन्वेस्टमेंट मार्च के महीने में किसी के बहकावे पे नहीं करना है। साथ ही साथ ऑनलाइन अगर आप पे कोई फ़ोन आ जाता है, कोई स्कीम लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल आता है, इतने पैसे जमा करो और आपको कार मिलेगी, तो आप सावधान हो जाए, आपके साथ ठगी हो सकती है, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। तो तीन ये बुरे फल है, अगर सावधानी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में भाई मार्च के महीने में रोचक योग मंगल द्वारा बन रहा है, यानी कि रोचक योग भी है, मालव्य योग भी है, तो मार्च के महीने में आपके फैमिली में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई सदस्य का रुका हुआ काम हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेंबर कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है, पद प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी के लिए तैयार रहें, या विवाह, सगाई, संतान संबंधी खुशखबरी के लिए तैयार रहें, या तो पर्सनल खुशखबरी मिलेगी मित्रों, या प्रोफेशनल आपको खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ मार्च के महीने में घर के अंदर वाहन बुक कराने के, वाहन खरीदने के,
योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव, मार्च का महीना परिवार के लिए और आपके फैमिली सदस्यों के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का मार्च का महीना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कान की समस्या रह सकती है छोटी संतान को, निमोनिया की परेशानी, ब्रोंकाइटिस की समस्या मार्च के अंदर रहने वाली है। यानी छोटी संतान हेल्थ से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी, उनको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, दवाइयों का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हालांकि ठीक हो जाने वाले हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान का नित्य संगीत में मार्च में एकदम से शौक जागृत होगा, वीडियोग्राफी एडिटिंग का शौक जागृत होगा। YouTube में कोई चैनल या सोशल मीडिया में कोई चैनल बनाएंगे, कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, यानी नया शौक आपकी संतान में कला या अपने को दिखाने का शौक जागृत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपकी संतान के लिए मार्च का महीना खासकर बड़ी संतान के लिए क्रिएटिविटी वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना खासकर दो भागों में बंटता है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो आपका पूरा ध्यान विद्या से हटकर, काम से हटकर, लव एंड रिलेशन में ही रहेगा। मेरा पार्टनर ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरे सोना बाबू ने ये किया वो किया, अनाना फलाना डिमकाना, यानी लव एंड रिलेशन में आपका पूरा फोकस रहेगा। इसलिए आपका 15 मार्च तक टीचर से आपको डांट पड़ेगी, माता पिता से आपको डांट पड़ेगी, ये ऐसा योग नज़र आ रहा है, यानी एकाग्र चित्ता की कमी है। फिर 16 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में जो विद्यार्थी हैं उनका ग्रुप में तीर्थ यात्रा, हिल स्टेशन में जाने के योग भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से विद्या में थोड़ा थोड़ा फोकस आप पे आने लगेगा। यानी आधा महीना अच्छा नहीं है और आधा महीना विद्यार्थियों के लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं उनके लिए ये महीना कैसे रहेगा। तो उनके लिए मार्च का महीना बड़ा सौगात लेके आने वाला है। यानी कि देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है, तो पूरा मार्च के महीने में करियर में आपको बड़ी खुशखबरी या बड़ा सफलता हाथ लगेगी। या तो आपका पद प्रमोशन का सिंह राशि वालों का योग नज़र आ रहा है, या मैनेजमेंट बॉस आपकी कोई इच्छा पूर्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपकी कोई एप्लीकेशन मान ली जाएगी, आपको कोई अप्रूवल मिल जाएगा। तो मार्च का महीना आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ ऑफिस में आपके परफॉर्मेंस के लिए तालियां भी बजने वाली है, यानी कि अच्छी सेल रहेगी, अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो सिंह राशि के लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा लाभकारी मार्च का महीना रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जो दाम्पत्य जीवन में खासकर प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, यानी लव कपल के बारे में। तो कहीं ना कहीं लव कपल का अगर देखा जाए तो पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है, रिलेशन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, रिलेशन में बड़ी कठिनाई होगी, यानी रिलेशन छूट भी सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। क्योंकि पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। यानी प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन में बहुत अच्छा मार्च का महीना नहीं है। पति पत्नी के लिए देखा जाए तो सूर्य शनि की युति से पार्टनर से वाद विवाद रह सकते हैं, पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, और पार्टनर का आपके माता पिता या सास ससुर से बड़ा वाद विवाद रहेगा। यानी घर गृह क्लेश आपके पार्टनर, आपके माता पिता या आपके भाई बहन का रहेगा, यानी घर के अंदर कुछ ना कुछ वाद विवाद रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो मार्च का महीना लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 3 या 4 बड़े काम आपके सफल होते हुए मार्च में नजर आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है। पहला, कोई नई डील आपको मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, मार्च के महीने में अच्छी सेल आपकी होगी, काम में वृद्धि होगी। तीसरा, अगर देखा जाए तो आपका रेनोवेशन के योग नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन दुकान में फैक्ट्री में कराने वाले हैं। चौथा, कोई मशीन आप काम की खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के लक्ष्मी नारायण योग आपका मार्च में बन रहा है, जिस कारण से व्यापार के अंदर काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च का महीना व्यापारियों के लिए अच्छा ही साबित होगा। तो मित्रों, ये था मार्च का सिंह राशि का मंत्री राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।